हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरताज फ्रॉम न्यू कैरियर एकेडमी। मैं आपके सामने खड़ा हूं और आपको एक अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूं एफकैट 1 2024 के पेपर के बारे में। व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, किस दिन होगा, क्या डेट्स रहेंगी, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपका, आपका क्या क्राइटेरिया है, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कट ऑफ्स क्या रहेंगी, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन का डेट क्या है। द एफकैट 1 2024 का नोटिफिकेशन आपका टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2023 में आया। व्हाट इज द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म? द लास्ट डेट टू फिल अप द फॉर्म वुड बी द 30th ऑफ दिसंबर 2023। इसके एडमिट कार्ड कैसे आते हैं? आपको कुछ नहीं करना, आपको careerairforce.nic.in पे जाना है, CTAC की वेबसाइट है, वहां पे जाकर अपने फॉर्म फिल करना है। इट्स एन ऑनलाइन फॉर्म। आफ्टर फिलिंग दैट ऑनलाइन फॉर्म आपको कुछ नहीं करना, यू कम बैक आपका लास्ट वीक में, वंस द फॉर्म गेट्स फिल्ड अप कंफर्मेशन आएगा और जनरली फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपका जो एडमिट कार्ड है दैट विल बी विद यू। व्हेन इज द डेट ऑफ एग्जामिनेशन? दिस पेपर गेट्स कंडक्टेड इन 3 डेज, दो शिफ्ट्स होती है, टोटल 6 शिफ्ट्स। So out of the any 6 shifts, आपका कोई भी shift आ सकता है। Starting shift start होती है 8 o'clock पे जब वो आपको बुलाते हैं और second shift होती है 1 o'clock में। So it's a morning and evening paper. All 6 papers will be different, but sections वही रहेंगे। Generally cutoffs, normalization scores से करके, that is how they'll be doing it. अगर हम बात करें date of paper, the most important, बहुत कम टाइम बचा है, फरवरी में पेपर है। 16, 17, 18 are the tentative dates for this paper. 8 बजे first shift, second shift 1 o'clock. Out of these 6 shifts, कोई भी शिफ्ट आपके लिए आ सकती है। Now comes to the second most important thing, जो सीट से रिलेटेड है। FCAT एंट्री में कौन सी एंट्रीज अवेलेबल है? फ्लाइंग है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है। This is available to both men and women. ये short service commission रहेगा। अगर हम flying की बात करें, men के लिए 5 seats हैं, women के लिए 6 seats रहेंगी approximately। Ground duty technical की बात करें, generally 2 type के technical होते हैं, एक electronics branch और एक mechanical branch। Electronics में 98 to 38 seats रहेंगी, electronics की 98 men के लिए रहेंगी, women के लिए 11 रहेंगी। अगर हम मैकेनिकल ब्रांच की बात करें 38 फॉर मेन एंड 4 फॉर वुमेन। अब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल, इसमें रहेगा वेपन्स। वेपन्स में मेन के लिए 15, वुमेन के लिए 2। एडमिनिस्ट्रेटिव मेन के लिए 45, वुमेन के लिए 5। लॉजिस्टिक्स 17 फॉर मेन 2 फॉर वुमेन। अकाउंट्स ब्रांच 7 फॉर मेन 2 फॉर वुमेन। एजुकेशन 7 फॉर मेन 2 फॉर वुमेन। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 7 फॉर मेन 2 फॉर वुमेन। That is how the seats are going to be bifurcated for both men and women, but then again we need to be unknown. जो अब second चीज आती है, age qualification. अगर मुझे flight में जाना है, your date of birth should be between 1st January 2001 to 1st January 2005. For ground duty technical, ये 2 साल extra हो जाता है, because 26 तक allowed होते हैं, so it'd be 1st January 1999 to 1st January 2005. And the most important criteria, you need to be unmarried. Education qualification की बात करते हैं। अगर मुझे flying branch में जाना है, मेरे पास physics और maths होना चाहिए 12th में 50% के साथ। Graduation में you require 60% any field of graduation. अगर मैं technical में जा रहा हूँ, physics और maths में आपको 50% again चाहिए। Engineering में 60% plus, so you're eligible for this. अगर आपको 59.8 भी है, आप eligible नहीं। अगर हम नॉन टेक्निकल की बात करें, वेपन ब्रांच में फिजिक्स एंड मैथ्स में 50 रहेगा, 60% ग्रेजुएशन रहेगा, बाकी जितनी भी ब्रांचेस हैं उसमें से ग्रेजुएशन 60% चाहिए, फिजिक्स एंड मैथ्स नहीं चाहिए। व्हाट इज द लास्ट डेट टू सबमिट योर डिग्री? द लास्ट डेट टू सबमिट योर डिग्री वुड बी 30th नवंबर 2024। तो आपकी सब चीज है, कुछ है, आप ये पेपर दे सकते हो, बट 30 नवंबर 2024 तक आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में डिग्री है, सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पेपर। अब बात करते हैं पेपर सेक्शन के बारे में कि पेपर होता क्या है। ये पेपर जनरली
15 दो घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, अगर आप ठीक करते हो गेट 3 मार्क्स, अगर आप गलत करते हो आपको 1 मार्क ही मिलेगा। फ्रेंड्स अब इसमें सेक्शंस की बात करते हैं, सबसे पहले आएगा मैथमेटिक्स सेक्शन, 20 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे ही आएंगे, रेस्ट ऑफ इट इजी। अगर आपको शॉर्टकट मेथड नहीं आते, दैट इज वेयर व्हाट वी हेल्प फॉर न्यू करियर्स एकेडमी में, वी आर नोन टू प्रोवाइड शॉर्टकट मेथड्स, हमारा सक्सेस रेट ही इस करके है बिकॉज हम क्या प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड आएगा आपका इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश में वोकैबुलरी रहेगा, idiom phrases रहेगा, rearrangement of sentences रहेगा, spotting errors रहेगा, again copy pasted notes में से आएगा, there's a proof for it, और उसके लिए हम आपके video में proof भी play करेंगे, वह हमारे students बताते हैं कि जो हमने पढ़ा है वो ही आया है। Hi, my name is Khushi and I just finished my course with NCA. And I could not be more grateful because they have the best teachers and they provide you with the most apt information, notes and guidance that you actually need for the exam. My major in college used to be theater studies, English and psychology. So when I was very, very lost. But after joining NCA, I feel that I got the correct guidance and I got to know how exactly to study and prepare for the exam. And I have seen progress in myself and in my journey, and I'm sure that you will too. So all the best. Hello everyone. I am Ritik and I make my way from Palwal, Haryana. To be honest, before coming here, after coming here, I get to know about things because of one and only Hartas Dhaliwal sir. He is outstanding at teaching. He takes every subject. He is all-rounder. His way of teaching is very, very, very good. It would be unfair if I don't mention the name of our science teacher, Harvinder ma'am. His way of teaching is very good and absolutely outstanding. So if you want to crack the paper, that is what New Careers Academy helps you for. And there's a reason for it. Ab teesra section ki baat karein. Reasoning, again, confirm, copy-pasted humare notes mein se. Koi book nahi khareedna. Humare notes padhne hain. Again, the proof for it is the candidates who have been selected. I'll share so many screenshots for you. इतने कैंडिडेट्स पास हो गए हैं, सब यही बात बोलते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो आ रहे हैं। हमारी कोचिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की वीडियोस अगर आप करेंगे, आई एम ऑनलाइन स्टूडेंट ऑफ न्यू करियर्स एकेडमी चंडीगढ़। एक्चुअली आई टू क्लासेस फॉर रिटन एग्जामिनेशन। सी, हम सबको पता है सिलेबस क्या है, लेकिन व्हाट टू रीड एंड हाउ टू रीड देम इज रियली इम्पॉर्टेंट। दिस इज व्हाट हर्ता सर टोल्ड अस, एंड he make us to relate the current affairs with the static one for all like history and geography, right? And coming to FCAT maths, he never made us to by heart the formulas. He told us the way to think logically and solve the problems. And you know, for science students, it is not at all an issue to understand the concepts, but it is very important to memorize them and baar baar test dena hai. And this is what we done in our academy. And really, Hartaj sir, it is from him I learned kya padhna hai aur kaise padhna hai. Very thankful to both of them, and I thank New Careers Academy for this. Koi Tamil Nadu se hai, koi Andhra se hai, we located in Chandigarh. People are from extreme corners of country are coming and joining us because of our selection rates. Because what we promise is जो पेपर में आएगा ही आएगा। अब फोर्थ सेक्शन की बात करें, वो है आपका जीके का, ये स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में क्या आता है? इट कुड बी रिलेटेड टू फर्स्ट मैन, फर्स्ट वुमन, इट कुड बी कैपिटल्स, इट कुड बी डिफेंस। एक तो क्वेश्चन ज्योग्राफी के, एक तो क्वेश्चन पॉलिटी के, ऐसे को डिवाइडेड रहता है ये सेक्शन। पर याद रखें, जो एक अब आजकल क्या होता है, जो एक सेक्शन आ गया किसी पेपर में, वो सेकेंड सेक्शन में नहीं आएगा। गवर्नर जनरल्स के बारे में आ जाता है, वॉइसरॉयस के बारे में आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आ जाता है, पेपर्स आर नॉट डिफिकल्ट। इसके लिए बट एक्सटेंसिव स्टडी इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज अगर आपके पास एक्सटेंसिव स्टडी नहीं रहेगा तो आपके पेपर पास नहीं हो पाएगा। अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूँ,
पिछले जितने भी 2 साल रहे 2023 2022 2023 एंड 2022 द कट ऑफ्स आर वेरी फ्रॉम 155 टू 157 सो आपको ये पास करने के लिए अगर आप 70 क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हो 100% पास कर रहे हो एंड वही ऑब्जेक्टिव हमारा ये सब प्रोवाइड कर सके आपको बीच बीच में अब मैं क्या करूंगा इस वीडियो के बाद आप चेक कर सकते हैं हमारे YouTube पे जा सकते हो और हम देख सकते हो डेली हम क्या पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ा रहे हैं क्या शॉर्टकट्स हैं 2018 से हमारे सिलेक्शन चल रहे हैं सो हम इस पेपर को प्रॉपरली फॉलो करते हैं वी मेक श्योर कि आप पास कर जाएं इस पेपर वी मेक श्योर कि आपको बेस्ट डिटेल्स मिले दैट इज व्हाट वी डू अब इसके बाद आता है सेकंड स्टेज में क्या आएगा द सेकंड स्टेज यू हैव योर एसएसबी अगर आप रिटन पास करते हैं अगेन For SSB, the best infrastructure that is there, the best of faculty members which are there, which are former SSB assessors, you would want to learn from the best and improve yourself. SSB is not a rectification process. It's not about cramming, but evolve your personality. So, wishing you all the best and you can continue with our sessions and you will see the difference for yourself. If you want to become an officer, see, come down, visit us. देखो हम क्या पढ़ाते हैं एंड सी वेयर द मैजिक हैपेंस हाउ टू बिकम एन ऑफिसर दैट इज विशिंग यू ऑल द बेस्ट